गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीरेंद्र सिंह। हम एल्जेब्रा में आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। स्पेशल केसेस दिखेंगे आज, जैसे किसके स्पेशल केसेस, जो एक्स प्लस वन बाई एक्स थे वो वाली फॉर्म होती थी उसके स्पेशल केसेस। चलो मुझे बताओ आप, अगर मेरा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए यदि टू है तो दोस्त ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? ये टू है, अगर ये मेरा वन हो जाए, ये वन हो जाए तो वन और वन क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। क्योंकि वन का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? वन ही होता है। अगर मैं ये वन ले लूं तो इसका रेसिप्रोकल वन ही रहेगा। तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू। बट और किसी कंडीशन पर ये पॉसिबल नहीं होगा रियल नंबर्स में। तो अगर मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बात करूं तो ये कब पॉसिबल होगा दोस्त? जब ये वैल्यू वन हो जाए। ये वैल्यू वन हो गई तो ये इसका रेसिप्रोकल है, ये भी वन होगा। और ये कब पॉसिबल है? जब a इक्वल टू b हो जाए। ये वन कब होगा? जब a बाई b इज इक्वल टू, अगर मैं वन रखूं तो a की वैल्यू क्या जाएगी? b के बराबर। तो a बाई इक्वल टू क्या हो गया दोस्त? b। मतलब अगर मेरा ये लिखा हो a बाई b प्लस b बाई a इज इक्वल टू टू, तो यहां पर इस कंडीशन में a और b क्या होंगे? बराबर। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, दे रखा था क्वेश्चन में a बाय बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू टू है, और आपसे पूछा है आप, और दे रखा था a प्लस बी इज इक्वल टू हंड्रेड है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी? दोस्त मेरा a बाई बी प्लस इसका रेसिप्रोकल टू है, तो ये तो तब पॉसिबल है जब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा, मतलब a और b बराबर होंगे। हों कुछ भी, जब ये बराबर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और इसका रेसिप्रोकल भी वन, वन प्लस वन टू। तो दोस्त यहां से मेरी एक बात पता लगी कि ए और इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। ए और बी मतलब क्या है? बराबर है। और मुझे दूसरी कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी हंड्रेड है, तो हंड्रेड को दो बराबर पार्टों में बांटो, जरा क्या हो जाएगा? पचास और पचास। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? फिफ्टी। और बी की वैल्यू भी कितनी हो गई? फिफ्टी। आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड 2017 सीजीएल मेंस में आया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, a प्लस बी इज इक्वल टू फाइव अंडर रूट a अपॉन बी माइनस तेरह इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट b बाई ए माइनस ग्यारह है, और आपसे पूछा था 3ab प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? सीजीएल 2017 में मेंस में आया था ये। चलो बताओ एक बार। ठीक, मैंने कहा इसे इधर ले आऊं, इसे इधर ले आया तो ये क्या है? रूट ए अपॉन रूट बी। इसे इधर लाया तो ये हो गया प्लस रूट बी बाई रूट ए, और दोस्त तेरह को उधर ले गया तो ये माइनस ग्यारह, और ये कितना हो जाएगा? प्लस तेरह। तेरह में से ग्यारह गए दो दोस्त, ये प्लस इसका रेसिप्रोकल दो है, तो मतलब यहां से रूट ए, मैं कह सकता हूं रूट ए किसके बराबर है? रूट बी के। और कह सकता हूं, या फिर कह सकता हूं ए किसके बराबर है? बी के। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ए किसके बराबर आया? बी के। और मुझे दे रखा है ए प्लस बी कितना दे रखा है दोस्त? फाइव। फाइव नहीं, टेन था ऑप्शन क्वेश्चन में, टेन था ये। ए प्लस बी कितना है? टेन। फाइव होता तो ये ढाई और ढाई हो जाते। ए प्लस बी कितना दे रखा है दोस्त? टेन। तो इसकी वैल्यू फाइव, इसकी वैल्यू फाइव, क्योंकि यहां से ए और बी क्या है? बराबर। तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा तो पांच और पांच, यहां पे वैल्यू पुट कर दू क्या, तो ये कितना हो गया? थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव प्लस फोर इंटू फाइव स्क्वायर प्लस फाइव इंटू फाइव स्क्वायर। फाइव स्क्वायर कॉमन ले लू तो पच्चीस हो गया, तो अंदर क्या बचा? तीन प्लस चार सात, सात प्लस पांच बारह, लिख दू पच्चीस इंटू बारह, तो आंसर 300। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब उस पर देखते हैं जो जनरली बात करते हैं, x प्लस वन बाई एक्स। यदि मेरा x प्लस वन बाई एक्स टू है दोस्त, ये और ये रेसिप्रोकल नहीं है क्या? इसे मैं ये नहीं लिख सकता x अपॉन वन, तो दिस प्लस इसका रेसिप्रोकल टू है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त यहां से? वन। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। आई बात समझ में?
चलो दूसरा कंडीशन कि अगर x प्लस वन बाई एक्स मेरा माइनस टू है तब बताओ एक बार मुझे दोस्त, ये माइनस टू कब पॉसिबल है, जब ये माइनस वन हो, क्योंकि माइनस वन और माइनस वन का ऐसे प्रॉपर भी क्या होगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। आ रही है ना बात समझ में, बिल्कुल इजी बात है। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, तो यहां से समझ आया टू है तो x की वैल्यू वन, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहां माइनस टू है तो क्या हो जाएगी, माइनस वन, क्योंकि माइनस वन प्लस माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू। ठीक है, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया था, दोस्त जैसे क्वेश्चन है कि आपका a प्लस वन बाय ए दे दिया टू, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा में, और आपसे पूछ लिया a की पावर 50 प्लस वन अपॉन a की पावर 50 कितना होगा, या आपसे पूछ लिया a की पावर 49 प्लस वन अपॉन a की पावर 49 कितना होगा, या आपसे पूछ लिया a की पावर 99 प्लस वन अपॉन ए की पावर 100 कितना होगा, कुछ भी पूछे दोस्त, यहां से a प्लस वन बाई ए टू है तो a की वैल्यू क्या हुई, वन, तो यहां रखो वन का स्क्वायर कुछ भी हो वन ही होगा, वन का स्क्वायर कुछ भी हो वन ही होगा, तो वन प्लस वन आंसर टू, दोस्त वन की पावर कुछ भी हो वन हो रहेगा, वन की पावर कुछ भी हो वन ही रहेगा, तो वन प्लस वन टू, वन की पावर अगर है पावर डिफरेंट भी है तो क्या हुआ, लेकिन वन की पावर तो कुछ भी हो वन ही रहता है, वन की पावर कुछ भी हो वन ही रहता है, तो वन और वन टू। आई बात समझ में, चलो अगला क्वेश्चन देखें। ओके दे दिया कि एक्स ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू माइनस टू दे दिया दोस्त, ओके दोबारा लिख दू माइनस टू, तो आपको बताना है ए की पावर 49 प्लस वन बाई ए की पावर 49 ही बताओ, ए की पावर 52 माइनस वन बाई ए की पावर 52 बताओ, ए की पावर 99 माइनस वन बाई ए की पावर 99 बताओ, ए की पावर 81 माइनस वन बाई ए की पावर 100 बताओ, और ए की पावर 18 माइनस वन बाई ए की पावर 21 बताओ, रैंडमली लिख रहा हूं ये पावर, कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्त, ये माइनस टू है ए प्लस वन बाई ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी बताया था माइनस वन, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू क्या आई, माइनस वन। अब आप बुक से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना, जितना हमने कर लिया है उसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में, ए की वैल्यू माइनस वन। अब आप यहां से एक बात ध्यान रखो, आप ए की वैल्यू जब वन आती थी, जब ये प्लस टू वाला केस होता था तो वन की पावर तो कुछ भी हो वन ही रहता था, लेकिन माइनस वन की पावर, अगर माइनस वन की पावर मेरा ऑड होगा, क्या होगी ऑड, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, और यदि मेरा माइनस वन की पावर इवन रहेगा, इवन होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, वन। क्या कहा मैंने, माइनस वन की पावर अगर ऑड होगा तो माइनस वन, माइनस वन की पावर इवन होगा तो वन, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां देखें, ये क्या है, माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन की पावर क्या है दोस्त, ऑड, ऑड का मतलब माइनस वन, और ये भी ऑड, तो माइनस वन, माइनस वन का रेसिप्रोकल भी माइनस वन, तो लिख दू प्लस माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू। आई बात समझ में, ए की पावर 52, 52 बोले तो इवन, और माइनस वन की पावर इवन हो तो कितना हो जाता है, वन, ए की पावर 52 ये उसी का रेसिप्रोकल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, वन, वन माइनस वन जीरो, तो इसका आंसर जीरो। आ रही है बात समझ में, चलो 99, 99 बोले तो माइनस वन, माइनस वन की पावर और हो गया तो ये माइनस वन, ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये भी माइनस वन, तो ये माइनस वन, और माइनस ऑलरेडी है तो लिख दू माइनस वन माइनस माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस आंसर जीरो।
दोस्त ये बताओ a की पावर 81, 81 क्या है ऑड, तो a की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर ऑड है तो माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन की पावर इवन है तो प्लस वन हो जाएगा, और वन का रेसिप्रोकल वन, तो माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू। आ रही है बात समझ में? चलो आखिरी वाला आप मुझे बताओ क्या होगा आंसर। चलो मैं बता रहा हूं, a की पावर इवन, इवन का मतलब वन, माइनस वन की पावर इवन मतलब वन, और ये माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, तो वन प्लस वन टू। आई बात समझ में? तो यहां पर ध्यान रखना कि ये अगर माइनस वन है तो आप ये देखना कि ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन कह रहा है मेरा P प्लस वन अपॉन पी माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव दे दिया आपको और पूछ रहा है तो बताओ P माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा, या स्क्वायर मत लिखो, स्क्वायर आपको लगेगा छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी लिख लो, यहां लिख दो की पावर फाइव, की पावर फाइव क्या होगा। दूसरा पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस वन क्या होगा, ये फाइव पी कर लो। दोस्त यहां से बताओ, मैंने कहा ये पी माइनस थ्री है और ये फाइव है, मैंने देखा ये पी माइनस थ्री है, ये पी माइनस थ्री है, तो यहां भी मैं माइनस थ्री कर दूं, तो ये मैंने कर दिया माइनस थ्री इधर करा और ये ऑलरेडी पी माइनस थ्री है ही, जब इधर कर आए माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे भी करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा दो। मैंने कहा ये और ये तो इसका रेसिप्रोकल है, ये दो है, तो यहां से एक बात जाहिर होगा कि पी माइनस थ्री इक्वल टू कितना हो गया वन। अगर इसे मैं एक्स कह दूं तो ये वन बाई एक्स है टू, तो एक्स की वैल्यू वन मतलब पी माइनस थ्री की वैल्यू वन, तो पी माइनस थ्री की वैल्यू वन, वन की पावर कुछ भी वन, पी माइनस थ्री की वैल्यू वन, वन की पावर कुछ भी वन, वन प्लस वन आंसर टू। दोस्त यहां जब p माइनस थ्री वन है तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर। अरे p माइनस थ्री वन है तो थ्री उधर चला गया तो p की वैल्यू फोर, इसमें पुट कर दो, फोर का स्क्वायर सोल है पांच इंटू फोर मतलब फाइव इंटू फोर ट्वेंटी प्लस वन तो बीस और सोल है छत्तीस और एक सैतीस, तो आंसर कितना हो गया दोस्त थर्टी सेवन। आ रही है बात समझ में? चलो आगे देखें, चलो यही बताना है आपको, लेकिन अब क्या कर दिया ये अगला क्वेश्चन है, ये अब के मैंने वन कर दिया इसे, क्या कर दिया वन, तब बताओ वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, मतलब ऐसा देखो जो टू बन जाएगा माइनस टू बने, जैसे मैं यहां का पी माइनस टू कर दूं तो यहां वैल्यू बदल जाएगी, यहां जीरो दे देता वो फिर। चलो मैंने कहा वन और ये मैंने कहा पी माइनस थ्री है, ये पी माइनस थ्री है, तो मैं पी माइनस थ्री कर दूं वन अपॉन पी माइनस थ्री, वन में से माइनस थ्री करा तो माइनस टू, ये एक्स है, ये एक्स है और ये माइनस टू है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती थी माइनस वन, मतलब मैं कह सकता हूं कि पी माइनस थ्री किसके इक्वल हो जाएगा माइनस वन, तो पी की वैल्यू टू के इक्वल, तो यहां देखो माइनस वन की पावर फाइव तो ऑड है पावर, तो क्या हो जाएगा माइनस वन, और इसमें माइनस वन की पावर फाइव ऑड है तो माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो आंसर क्या हो गया माइनस टू। ये वाला निकालना है जैसे मुझे, तो पी की पी माइनस थ्री माइनस वन है तो पी कितना हो जाएगा टू, ये कितना हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर, फाइव इंटू टू टेन प्लस वन, तो आंसर फिफ्टीन। आई बात समझ में? चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस्ड। ये जो अगला क्वेश्चन करा रहा हूं ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कराया था, समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन। आपसे कह दिया साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू टू, तो आपको बताना है साइन की पावर हजार थीटा प्लस कॉस की पावर थाउजेंड थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ
जो साइन और ये कुछ है क्या, साइन का उल्टा नहीं होता, बिल्कुल उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, तो ये इसे मैं लिख सकता हूं वन बाय साइन। तो जब दिस प्लस इसका रेसिप्रोकल टू है तो यहां से मैं क्या ये नहीं कह सकता कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है वन, तो साइन थीटा वन, वन की पावर कुछ भी वन, ये कोसेक लिखना दोस्त, कोसेक की पावर थाउजेंड थीटा, यहां पर वन की पावर हजार तो वन ही रहेगा, अरे कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो वन प्लस वन टू, मतलब पावर कुछ भी दे देता तो भी क्या होता टू। अगर यहां पे आपको दूसरे तरीके से क्या दे सकता है, टेन प्लस कॉट दे सकता है क्योंकि टेन और कॉट उल्टे होते हैं, या फिर कॉस प्लस सेक दे सकता है क्योंकि कॉस और सेक उल्टे होते हैं। तो इस पर भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जो दो स्पेशल केसेस बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, दोनों अगले क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहना। धन्यवाद।